के सेलिब्रेशन में आए हुए सभी को पहले तो हम हृदय से बधाई देते हैं एंड सभी को हमारी शुभकामनाएं। आज ये बहुत ही शानदार परेड के आयोजन में हमारे सीपी मैडम, रिस्पेक्टिव सीपी मैडम और पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, जिला प्रशासन के रिलेटेड सभी अधिकारी कर्मचारीगण, यहाँ पे आए हुए सभी विशिष्ट अतिथि, मीडिया के सभी हमारे सहयोगी, सभी को हम पहले तो हैप्पी रिपब्लिक डे सबको। और इस ब्यूटीफुल आयोजन में आज भाग लेने में बहुत ही आई फील वेरी प्रेस्टिजियस। आज हमारे भारत देश पूरे विश्व में जाना जाता है फॉर हमारे ट्रेडिशन और हमारे विरासत के लिए। आज एक शुभ अवसर है जिसको हम लोग एक बार पीछे मुड़ के देखने के लिए और आगे हमारा कैसे, आगे हमारा कार्य योजना क्या है उसको दोनों के तरफ देखने के लिए आज ये शुभ अवसर पे हम लोग खड़े हैं। इसमें हम लोगों को देखना चाहिए हमारा कितना अचीवमेंट्स हुए हैं। जैसे हमारा आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसमें क्रम में हम लोग काफी अचीवमेंट्स किए हुए हैं और आगे जाकर के भी और बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारा अभी देखेंगे तो हमारे यहाँ पे भारत में जो चैलेंजेस आए हुए हैं, नए तरीके का चैलेंजेस, पहले जो चैलेंजेस थे वो धीरे धीरे हमारे कम हो रहे हैं बिकॉज हम लोगों का एक्टिव प्रशासन के द्वारा कम किया जा रहा है और अभी नए नए हम लोगों का चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। उसके क्रम में हम लोगों को अपने आप को थोड़ा सा और हम लोगों को और तैयारी करना पड़ेगा ताकि आगे जाकर के जो नए चैलेंजेस है सिविल राइट्स को लेकर के कई चीजें अभी हम लोग चैलेंजेस डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में फेस कर रहे हैं। ये सब चीजों के चैलेंजेस को हम लोग करने के लिए हमारे लिए होगा। आज फिर जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं सभी को हम अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे एंड थैंक यू।